हाय दोस्तों, स्वागत करते हैं चैनल पीपीटा के जूस में। आज आप लाइक नई वीडियो जैसे थंबनेल में आपने देख लिया होगा था, आज निकलने वाले हैं बीएससी का रिजल्ट। कैसे नहीं, बीएससी का एग्रीकल्चर का तो रिजल्ट अपडेट हो चुका है यूनिवर्सिटी की साइड से। रिजल्ट अपडेट हो रहे हैं रोज एवरी डे, जैसे कहते हैं बच्चे रिजल्ट कब तक अपडेट होंगे। तो दोस्तों, कुछ समस्या के चलते हुए कह सकते हैं आपको प्रमोशन चलने के रिश्ते हुए, एग्जामेशन चलते हुए एग्जाम फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, एडमिशन फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, और आप कह सकते हैं अभी समस्या चल रही है यूनिवर्सिटी के चलते हुए। तो डेट धीरे धीरे आप रिजल्ट अपडेट होते लगे हैं, तो जैसे आप देख सकते हैं बीएससी का रिजल्ट अपडेट करके निकाल सकते हैं, जो भी आपके ऑफिसर व्हाट्सएप के आता है साइट पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी वीडियो को ना करें, लास्ट तक जरूर देखें और अपना स्टेटस करके अपना बीएससी का रिजल्ट जरूर निकाल लें। जिस तरह आपको फॉलो करना है, वीडियो डाउनलोड करके अपने फ़ोन से भी निकाल सकते हैं, अपने लैपटॉप से निकाल सकते हैं। तो सिंपली क्या करना होगा, आपको सीसी न्यूज साइट पर आना होगा, जब सामने सीसी न्यूज साइट दिखाई दे रही होगी। तो बीएससी का निकालने के लिए आपको दिखाई देगा, आपको सीसी साइट पाने के बाद आपको यहाँ पर आना है स्टूडेंट सेक्शन पर। एंट्री सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखाएगा रिजल्ट। जैसे आप रिजल्ट पर क्लिक कर लेंगे दोस्तों, तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, रिजल्ट आप निकालना चाहते हैं तो कृपया अगर सुबह के टाइम जरूर निकाल लें, क्योंकि साइट जो होती है बहुत वीक चलती है, अभी ओपन नहीं हो पाती है, फॉर्म भी बहुत वीक भरते हैं, तो साइट बहुत लो चलती है, एरर भी देती है। तो फोन से निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जब रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो सेकेंड स्टेप आप आ जाएंगे यहाँ पर, सही स्टेप को यहाँ पर दिखाई देंगे, चार स्टेप आपको दिखाई देंगे, जो भी और सेमेस्टर का रिजल्ट अपडेट हो चुका है बी एस सी एग्रीकल्चर का। सेकंड फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेंगे, 12वीं का रिजल्ट जो अपडेट हुआ है और सेमेस्टर का। क्लिक करने के बाद सेकंड स्टेप पर आ जाएंगे, देख सकते हैं मैंने सभी पेज ओपन कर रखे हैं। सभी पेज ओपन करते हुए आपको ऐसे आगे बढ़ना है, जैसे आपको दिखाई देगा तो ऊपर फर्स्ट स्टेप आपको दिखाई देगा बी एस सी एग्रीकल्चर रिजल्ट। जैसे दोस्तों आप सामने देख सकते हैं जो बी एस सी का रिजल्ट आपको शो रहा है, तो और सेमेस्टर रिजल्ट आपको देख सकते हैं। तो ये नहीं कन्फर्म कर सकते हैं किस सेमेस्टर का रिजल्ट अपडेट हुआ है, तो दोस्तों अपना रिजल्ट नंबर अपने डायल कर चेक कर सकते हैं, किस सेमेस्टर को अपने देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाले पर क्लिक कर लेंगे आप रिजल्ट करने के लिए, तो सेकंड इस सेमेस्टर पर जा जाएंगे, देख सकते हैं, दिखा देता हूँ आपको भी, देख सकते हैं बी एस सी एग्रीकल्चर का रिजल्ट सामने, जिसके पेज पर ओपन कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो दोस्तों इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान समझेंगे, या जो पॉइंट आपके सामने दिए गए हैं बी एस सी रिजल्ट के लिए, यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना होगा और सर्च करना होगा, तो मैं उसका आपको आगे पढ़कर बताऊँगा। ये बी एस सी रिजल्ट देख रहे हैं, कॉलेज कोड आपको सामने शो हो रहे होंगे, सेमेस्टर ने देख सकते हैं। तो ज़्यादातर सभी सेमेस्टर के रिजल्ट अपडेट हो चुके हैं, फर्स्ट थर्ड फाइव सेवन आप देख सकते हैं, सभी रिजल्ट अपडेट हो चुके हैं। निकालने से क्या करना होगा आपको, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट देख सकते हैं, किसके लिए आपके रिजल्ट अपडेट नहीं है, किस कॉलेज के नहीं हुए हैं। तो जिन दो कॉलेजों के प्रैक्टिकल फाइल नहीं पहुँची यूनिवर्सिटी में, तो दोस्तों उनके रिजल्ट रुके हुए हैं, ये उनके लिए बता देता हूँ। इसका नोटिस यूनिवर्सिटी ने जारी किया हुआ था पहली, तो दोस्तों कॉलेज द्वारा ही आपके रिजल्ट रुके हुए हैं, क्योंकि कॉलेज द्वारा एक प्रैक्टिकल जो सीट आपकी जो फॉर्म भरा होगा अपने जो लिखित को भी लिखी होगी आपने लिखित में, तो आपको भी नहीं पहुंच पाई है। तो प्रैक्टिकल जो देख सकते हैं यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसके माध्यम से रिजल्ट आपका जब अपडेट होगा तो चेक करके देखते रहें रोज, अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो निकल सिंपली क्या करना होगा, रोल नंबर आपको डालना होगा, तो मैं बी सी का रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा आपको, ऐसे इस तरीके से आगे फॉलो करना होगा। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना बी सी का रिजल्ट देख सकते हैं, मैं रोल नंबर डाल लिया है, और उसमें सर्च करने के बाद आपको स्टेप पे यहाँ पर आ जाएंगे, सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ शो होगा सामने रिजल्ट ऊपर, कैंडिडेट नेम आप शो करा, क्या आपको शो करेगी आप सामने दोस्तों, क्लास शो करेगी, और यहाँ पर देख सकते हैं अगर फ़ोन से निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा फ़ोन या प्रिंट मार्कशीट, क्लिक कर लेंगे। जैसे प्रिंट मार्कशीट आप क्लिक करेंगे तब ये सही स्टेप आप यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों, इस तरह की अपनी मार्कशीट आपके सामने शो होगी। शो होने का देख सकते हैं सबको, आपको नाम सामने आपके नहीं शो, नहीं शो होगा यहाँ पर, आपको नेम शो होगा दस शो होगी, रोल नंबर एल नंबर यहाँ पर शो होंगे, फादर नेम्स वगैरह सब यहाँ पर कॉलेज नेम वगैरह देख सकते हैं। पेपर यहाँ पर देख सकते हैं जो सबका पेपर एग्जाम दिए होंगे, कोर्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं जो मार्क्स आपके होंगे, जो आपके मिले हैं यहाँ पर थ्योरी में सेशनल में, और टोटल मार्क्स यहाँ शो होंगे, और रिजल्ट आपके देख सकते हैं, मेन पॉइंट आपको सुनना होगा दोस्तों। और यहाँ पर डिटेंट आपको लिखा हुआ है, तो डिटेंट दो वजह से आपको डिटेंट लिखा होगा, पहला अगर आपने मार्कशीट एग्जाम फीस जमा नहीं करी यूनिवर्सिटी में, और सेकंड आपने जब मैगजीन सर्टिफिकेट होता है अपने जमा नहीं करा यूनिवर्सिटी में, तो इस वजह से दो चीज़ अपने मैगजीन अटेंड लिखाता है। और दोस्तों जो क्लियर है दोस्तों उसमें कंपलसरी जो पास होने का आप देख सकते हैं, पास है तो यहाँ पर पास लिखाता है, और जो आपकी बैक है तो आपकी बैक शो होगी, किसी कारण कम नंबर है देख सकते हैं यहाँ पर, जो रिजल्ट आपके यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें बैक है तो आपको बैक शो होगी, जो दोस्तों क्लियर पास है आपको यहाँ पर क्लियर पास होकर दिखाई देगा। तो दोस्तों इस माध्यम से सभी रिजल्ट अपडेट हो रहे हैं धीरे धीरे, माध्यम से ही सब निकल रिजल्ट निकालना चाहते हैं बी एस सी आई रिजल्ट का, तो इस माध्यम से निकाल सकते हैं। प्रिंट का ऑप्शन आपको दिया गया है तो डाउनलोड कर सकते हैं स्टेप बाई स्टेप करते हुए।
अगर समस्या दोस्तों आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताने की प्रोसेस समझ में आया हो तो स्टेप मार्कशीट अपने डाउनलोड कर लें बहुत अच्छे तरीके से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और डायरेक्टली स्पीच अप आएंगे और अपना BSc के सकते हैं, अपना एजुकेशन निकाल सकते हैं। इस लिंक पर आने के लिए डायरेक्टली वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको आना होगा और डायरेक्टली स्पीच अप ओपन हो जाएगा, रोम बटन पर डालकर सर्च करके डाउनलोड मार्कशीट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।